तो हेलो गाइस, हम लोग आज आ चुके हैं हमारी एक नई और अनोखी वीडियो में। तो आज फाइनली सोनी ने उसका PS5 लॉन्च कर दिया है, तो हम आज आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोनी ने जो PS5 लॉन्च किया है उसके दो एडिशन हैं, डिजिटल एडिशन और नॉर्मल CD वाला। डिजिटल में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो डिजिटल एडिशन है वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा और उसमें आपको डिजिटल पेमेंट्स करने पड़ेंगे। पर उसका एक बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में कि डिजिटल एडिशन में जो मतलब जहाँ इतने पुअर नेटवर्क रीजन्स में जो रहते हैं लोग, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों गाइस? क्योंकि बात ये आती है कि वहाँ पे आपको चाहिए होगा फास्ट नेट, बट यू डोंट हैव दैट कनेक्शन, तो वो वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए CD वाला ज़्यादा बेहतरीन रहेगा हम लोगों के लिए यूज़ करने के लिए। तो हम इसका गाइस आगे का देखते हैं क्या सिस्टम है। तो गाइस इसमें जो इसको अब आप वर्टिकली भी रख सकते हैं और ऐसे भी मतलब हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। तो गाइस जो ये चीज़ सोनी ने जो रिवील करी है, इसके साथ काफ़ी न्यू एसेसरीज भी आई है गाइस, तो मैं आपको उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सोनी ने नए हेडफोन रिलीज़ करे हैं, जो मीडिया रिमोट है, ड्यूअल सेंस का चार्जिंग डॉक, जो पहले लोग थर्ड पार्टी खरीदते थे उसमें कोई गारंटी नहीं होती थी आपका रिमोट चल बसे ऐसे कोई गारंटी नहीं होती थी गाइस, और न्यू कैमरा रिलीज़ किया है, और जो ड्यूअल सेंस 5 है उसमें हैप्टिक टच और बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, और गाइस बहुत सारे नए गेम्स अनाउंस किए गए हैं। मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस गाइस, ये गेम जो है इसका ट्रेलर ही एक बड़ा बहुत खतरनाक चीज़ है गाइस। तो उसके ऊपर मेरा रिव्यू आएगा, उसका पूरा ट्रेलर का रिएक्शन दूंगा मैं गाइस, तो उस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून दीजिए। और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट गाइस, जिसकी मैंने पुरानी सीरीज के बारे में सुना है बट मैंने एक्चुअली में इसको खेला नहीं है कभी। और गाइस रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट और ये ग्रैंड ट्यूरिज्म मैंने बहुत नाम सुना है गाइस, बहुत हाई क्वालिटी गेम है, और ये बहुत सारे गेम अनाउंस किए गए हैं सोनी द्वारा। और गाइस जो इसका हेडसेट है उसे कहा जाए 3D ऑडियो वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से 3D ऑडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा गेमर्स के लिए, प्लस पॉइंट है। और मीडिया रिमोट का क्या यूज़ रहेगा गाइस, मैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंगली वेट कर रहा हूँ। क्या उसे एक स्मार्ट TV में कन्वर्ट कर पाएंगे अपने? तो क्या गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके मतलब व्यूज़ को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। गाइस मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जितने भी हैं सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करें वीडियो देखिए गई मत, क्योंकि देखो वो लाल कलर का एक बेल आइकन और बटन जो आपके लिए नॉर्मल है, बट आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, और जो न्यू HD कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है, और जो इस बार का PS5 है गाइस वो एक AMD के चिप पे बेस्ड है, 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स तो नहीं होंगे उसमें गाइस, बट 8 कोर प्रोसेसर है उसका, कस्टम आर्किटेक्चर वाला GPU लॉन्च किया है, और पूरा SSD पे बेस्ड है। बट अब 1 TB की स्टोरेज नहीं आ रही है, 825 GB की है शायद तक स्पेस, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इसमें शायद रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, और कंट्रोलर में एडेप्टिव फीडबैक्स और एडेप्टिव ट्रिगर्स, हैप्टिक फीडबैक और 3D ऑडियो टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये बहुत बेहतरीन होने वाला गाइस। तो अब हम इसके ट्रेलर की तरफ बढ़े हैं, तो हम इसका ट्रेलर देखते हैं गाइस एक बार। यहाँ पे कुछ भी रैंडम सी डेट डाल देते हैं हम, रैंडम डेट्स एंड वी कैन पुट अ रैंडम डेट ब्रो मंथ, ओके गलती हो जाती है कभी कभी, तो हम चेक करते हैं गाइस इसे। सॉरी, आगे करते हैं डिजाइन को, फीचर्स आते हैं से हम देखेंगे। डिजाइन का कुछ वो है पार्टिकल्स वार्टिकल्स आ रहे हैं, बट डोंट नो इट, हमें मेन ऑब्जेक्ट है। तो गाइस क्या आप देख सकते हैं इनोवेटिव डिजाइन, एकदम एयर कूलिंग भी रहेगी साइड में, जो दो गैप दे रखे हैं एयर कूलिंग अच्छी होगी, और जो आप कंट्रोलर डिवाइस वाला यूज भी करते हैं बहुत क्लास लग रहा है गाइस। बट मेरे हिसाब से
हमारी तरफ मेरे मेरी ओपिनियन है, ये कंपनी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वाइट में भी अच्छा, बट सोनी को कलर ऑप्शंस देने चाहिए थे थोड़े बहुत। ये एड्स बहुत आते हैं अरे यार भाई। बहुत जोरदार है। ओके जैसा कि मैंने आपको इवेंट्स के बारे में बताया था, आपने वो इवेंट्स क्लोजली देख लिए हैं गाइस, तो आपको भी पता लग रहा होगा बहुत अच्छी कूलिंग होगी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों बताए गए हैं, डिजिटल एडिशन और नॉर्मल ब्लू रे डिस्क वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन फ्यूचर खरीदें तो ब्लू रे डिस्क वाला लीजिए, क्योंकि अगर आपके एरिया में इंटरनेट नहीं है अच्छा तो फिर आप ये ले सकते हैं। और जिसके पास भाई कि हाँ हमारे पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, पैसा की कमी ही नहीं है भाई, तो फिर आप लोग डिजिटल एडिशन पे जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ रहा है? अच्छा और भी कुछ कंट्रोलर, जैसा मैंने आपको बताया इसका इस बार का जो डिज़ाइन है वो बहुत कूल लग रहा है, एकदम मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है गाइस। और जो चीज़ें मतलब क्लास है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन विद द हाईलाइट ऑफ ब्लू, बहुत क्लासी चीज़ लग रही है ये। और हार्डवेयर रिवील है, और उसमें मेरे हिसाब से 16 GB ऑफ रैम होगी या वी रैम होगी, ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है, शायद रैम है, 16 GB रैम होगी, क्योंकि वी रैम तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, 2080 Ti के भी ऊपर इसमें तो पैसा ही पैसा लग जाएगा। 16 GB की रैम होगी गाइस मेरे हिसाब से। चार्जिंग बॉक्स में जिसकी बात कर रहा हूँ, अभी लोग अमेजोन पे क्या खरीदते हैं ऐसी चीज़ें, बट क्या होता है वो जो चीज़ें खरीदते हैं अब, ठीक है, तो वो क्या कोई ओरिजिनल सर्टिफाइड तो है नहीं सोनी से, अब कोई शॉर्ट सर्किट हो, आपका रिमोट ख़राब हो, तो कोई गारंटी नहीं लेता। तो इस बार सोनी ने शायद वो देखा है और सोनी ने खुद ने रिलीज़ कर दिया, खूब पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी लगा रहा है सोनी। एक कंपनी अपन भी खोल लेते हैं, तुम बोल दो बस, मैं बोल रहा हूँ मेरा चैनल चला दो बस, इस गरीब आदमी को यही चाहिए, तुम बस वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, उस बटन के लिए तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, मतलब आपको लग रहा होगा मैं बहुत पागल आदमी हूँ और छोटी सी एक बटन के लिए इतना क्या बोल रहा हूँ, बट आपके लिए वो छोटा है, पर भाई मेरे को एक सब्सक्राइब इम्पोर्टेंस रखता है, तो प्लीज सब्सक्राइब। कैमरा, ये इस बार वाला नया कैमरा है, तो कैसा है, बहुत कैमरा तो अच्छा ही है, इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स फीचर्स जो है वो अभी सोनी ने रिवील नहीं करे, खाली चीज़ें बताई है। ये पल्स 3D नाम से एक हेडसेट लॉन्च किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो पता नहीं है अब इसके बारे में क्या होगा, इसमें कोई 7.1 सराउंड ऑडियो दी गई होगी या क्या आगे का सिस्टम है, या सोनी ने खुद ने अपना न्यू ऑडियो सिस्टम सराउंड ऑडियो वाला कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी है, ऐसा कुछ तो नहीं है कहीं पे, तो देखते हैं गाइस। और ये मीडिया रिमोट ये किसका काम का है, देखिए आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले पॉज और ये जो बटन्स हैं, इसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ ये एक स्मार्ट टीवी का काम भी करेगा, नेटफ्लिक्स चिल सब करो भाई, मेरा दावा है इस बात पे, आपको इसमें स्मार्ट टीवी की फंक्शनलिटीज दी जाएंगी। और इतनी सारी चीज़ें रिवील करने के बाद खाली हार्डवेयर रिवील लिख रखा है ऊपर, भाई इतना तो बता दिया, अब आदमी मरेगा क्या, अब सॉफ्टवेयर रिवील भी होगा शायद। प्लेस्टेशन, तो गाइस मेरे व्यूज तो थे कि ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, डिजिटल वाला मुझे थोड़ा कम समझ में बैठा, जिनके इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है उनके लिए तो बहुत सही चीज़ नहीं है ये, मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, पर जिनके नेट है तो हाँ वो डिजिटल वाले के साथ जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत से भी बहुत अच्छी है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, तो
तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और ये वीडियो बहुत लेट है, मुझे पता है मैं थोड़ा गेमिंग में ज़्यादा घुस गया था, तो अब थोड़ा टेक वीडियोस, व्लॉगिंग, हर चीज़ आएगी। और मैंने एक नई बाइक ली है एक्चुअली में, ये रही उसकी चाबी, तो ये मैं आपको रिवील करूँगा वहीं पे। तो आ जाओ आप वीडियो देखने और एक्टिव रहा करो, ताकि अब मैं बनाऊँगा मेरी न्यू बाइक का रिव्यू और हर चीज़ अब आती जाएगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपको बस वो रेड आइकन दबाना है, कुछ भी करो बस फोड़ दो बस प्लीज़। इस वीडियो में जितने व्यूज आए भाई, जितने भी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।